ज इन द प्रीवियस वीडियो दिन ऑफ न्यूक्लियस दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटोन हाइपोथिस एंड न्यूट्रॉन प्रोटोन हाइपोथिस इन दिस वीडियो वी विल डू द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी सोलैट स्टार्ट तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर मास अब न्यूक्लियर मास यानी मास ऑफ द न्यूक्लियस अब हमें पता है हमने कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में किया था जो आइपोथिस ट्रू प्रूव हुई थी क्या थी कि जो न्यूक्लियस है वो किस किस से मिल बना हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ठीक है तो जो उसका मास है न्यूक्लियस का वो किसकी वजह से होना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से ही होना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियस मिलके तो उनसे ही बना है तो इसलिए जो न्यूक्लियर मास है न्यूक्लियर मास क्या होता है मास ऑफ द न्यूक्लियस तो मास ऑफ द न्यूक्लियस किस किस की वजह से होना चाहिए प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से ठीक है अब हमें पता है जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का उसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं ठीक है थीके? और उसके जो अपर पार्ट है उसमें उसका मास नंबर लिखते हैं जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटोन्स को रिप्रजेंट करता है तो इसलिए जो जेड है उसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं प्रोटोन क्लियर है और मास नंबर क्या होता है जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं ठीक है यानी ए इज इक्वल टू कैपिटल एन प्लस जेड होना चाहिए तो वहाँ से हम न्यूट्रॉन्स की यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं तो क्या हो जाता है ए माइनस जेड तो हमारे पास इतने न्यूट्रॉन्स आ गए क्लियर है अब हमने जो न्यूक्लियर मास है वो क्या होना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ना यानी कैपिटल एम एन यानी मास ऑफ द न्यूक्लियस किसके इक्वल होना चाहिए मास ऑफ प्रोटोन यानी न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटोन हैं उनका मास और उसमें क्या ऐड कर दें जितने भी न्यूट्रॉन हैं उनका मास अब हमें पता है अगर एक प्रोटोन का मास स्मॉल एम पी है ठीक है और हमने क्या देखा कि प्रोटोन टोटल कितने हैं जितना उसका एटोमिक नंबर है एलिमेंट का और वो एलिमेंट का एटोमिक नंबर जेड है तो जेड नंबर ऑफ प्रोटोन्स हैं तो टोटल मास ऑफ द प्रेजेंट प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस कितना हो जाएगा जेड इंटू एम पी प्लस अब न्यूट्रॉन्स कितने हैं ए माइनस जेड तो और अगर एक न्यूट्रॉन का मास है स्मॉल एम एन तो टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा ए माइनस जेड इंटू एम एन ठीक है अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें मास ऑफ न्यूक्लियस मिल जाएगा क्लियर है वेयर एम पी इज़ द मास ऑफ़ प्रोटोन एंड एम एन इज़ द मास ऑफ न्यूट्रॉन क्लियर है अब एक ट्रम आती है मास डिफेक्ट मास डिफेक्ट देखते हैं क्या होता है अब हमें पता है कि है ना जो न्यूक्लियस का मास है एक्चुअल में वो किस किस की वजह से होना चाहिए कितना होना चाहिए जितना मास ऑफ प्रोटोन है प्लस में जितना मास ऑफ न्यूट्रॉन है ठीक है लेकिन एक्चुअल में क्या पाया जाता है कि जो न्यूक्लियस का मास है ना वो कम होता है किससे सम ऑफ मासज ऑफ न्यूक्लियंस प्रेजेंट इन इट न्यूक्लियस क्या है हमें पता है जिससे न्यूक्लियस मिल बना होता है वो पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एक्चुअल में क्या पाया जाता है कि जो न्यूक्लियस है उसका मास कम मिलता है किससे मास ऑफ प्रोटोन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन से ठीक है तब तो बात आई कि वो कम क्यों मिलता है न्यूक्लियस के मास से उन दोनों को मास को हम ऐड करते हैं तब तो इसका मतलब कुछ मास गायब हो जाता है ठीक है यानी कुछ मास डिसपियर हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर ठीक है तो ये जो डिफरेंस है ना किस में जो एक्चुअल मास है न्यूक्लियस का और जो होना चाहिए यानी मासिस ऑफ न्यूक्लियंस और मास ऑफ द न्यूक्लियस ठीक है इन दोनों के मास में जो डिफरेंस आता है इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस ठीक है nucleus, क्योंकि डिफेक्ट का क्या मतलब होता है कोई कमी होना और यहाँ पे मास डिफेक्ट है इसका मतलब किस चीज़ में कमी है मास में कमी है और किस चीज़ के मास में कमी है क्योंकि न्यूक्लियस का मास एक्चुअल में उतना ही होना चाहिए जब हम मास ऑफ प्रोटोन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दें लेकिन एक्चुअल में न्यूक्लियस का मास कम मिलता है इन दोनों के मासेस को ऐड करते हैं उससे ठीक है तो अब हमने स्पोज़ कर लिया क्या जो कैपिटल एम है वो मास ऑफ न्यूक्लियस और जो स्मॉल एम पी है वो मास ऑफ़ प्रोटोन और जो स्मॉल एम एन है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन ठीक है और ए क्या है मास नंबर और जेड क्या है एटॉमिक नंबर क्लियर है तो मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा जब हम किस किस को ऐड कर देंगे यानी जो डिफरेंस आता है मास ऑफ न्यूक्लियस में और मास ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स में ठीक है तो मास डिफेक्ट क्या आ जाएगा मास डिफेक्ट को हम डिनोट करेंगे यहाँ पे डेल स्मॉल एम से ठीक है डेल क्या रिप्रेजेंट करे डिफेक्ट को तो डेल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड इंटू एम पी वो मास आ गया जो प्रोटॉन्स का है जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनका प्लस किसका मास ऐड करेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन्स का जितने भी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है यानी ए माइनस जेड इंटू एम एन और इसमें से क्या सब अप्रैक्ट कर देंगे जो न्यूक्लियस का मास है यानी कैपिटल एम वो ठीक है तो जो इक्वेशन वन पॉइंट वन नाइन है उससे हमें क्या मिल गया मास डिफेक्ट मिल गया क्लियर है अब इसका अगर हम एक एग्जाम्पल लें हमने एक एलिमेंट ले लिया ड्यूट्रॉन ड्यू का मतलब टू ठीक है तो यहाँ पे टू पार्टिकल्स प्रेजेंट होने चाहिए ड्यूट्रॉन में तो एक होता है इसमें प्रोटोन है और एक होता है न्यूट्रॉन ठीक है तो हमें पता है जो एक्चुअल मास होता है ड्यूट्रॉन का वो कितना होता है ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस का 2.01 पॉइंट ठीक है और जो मास ऑफ प्रोटोन होता है वो होता है 1.0 पॉइंट एम यू और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो था वन पॉइंट ज़ीरो ठीक है अब हमें मास डिफेक्ट निकालना है तो मास डिफेक्ट क्या होता है जो न्यूक्लियस के मास में और जो इसके न्यूक्लियंस हैं उनके मास में जो डिफरेंस आता है वही होता है मास डिफेक्ट तो यहाँ पे हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को तो ऐड कर देंगे और सब क्या कर देंगे इसमें से जो न्यूक्लियस का मास है वो ठीक है तो यहाँ पे ये यह जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी इस फॉर्मूला में पुट करके हमने क्या निकाल लिया मास डिफेक्ट नेक्स्ट टर्म इज बाइंडिंग एनर्जी अब इसके नाम से ही पता चल रहा है बाइंड बाइंड का मतलब क्या होता है बांधना ना तो वो एनर्जी जो किसी चीज को बांधने के लिए यूज होगी ठीक है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है न्यूक्लियस के लिए द एनर्जी विच बाइंड न्यूक्लियंस इन साइड द न्यूक्लियस ठीक है अब हमें पता है ना न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियंस यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ठीक है तो न्यूक्लियस के अंदर इन दोनों को बांधने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसको क्या कहते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी ठीक है तो ये डायग्राम है न्यूक्लियस का इसमें प्रोटोन है और न्यूट्रॉन है ठीक है अब न्यूक्लियस के अंदर टू टाइप्स के फोर्सेज लगते हैं फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर फोर्सेज एंड सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रिक फोर्सेज ठीक है इलेक्ट्रिक फोर्सेज क्या होते हैं जो इसके चार्जेज की वजह से लगते हैं चार्जेज की वजह से जो जैसे प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूट्रॉन के ऊपर वैसे कोई चार्ज नहीं होता अब हमें ये तो पता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन तो होता नहीं बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं ठीक है तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यानी सेम सेम चार्ज हमें पता है रिपेल करते हैं एक दूसरे को ठीक है तो अगर न्यूक्लियस के अंदर रिपल्शन होगी तो ये सारे प्रोटोन बाहर आके निकले ठीक है गिरेंगे लेकिन ऐसा नहीं होता क्यों नहीं होता ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्सेज न्यूक्लियर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होते हैं किससे इलेक्ट्रिक फोर्सेस से इसलिए जो रिपल्शन होती है ना ड्यू टू सेम चार्जेस उसको न्यूक्लियर फोर्सेस अपने अट्रैक्टिव नेचर से बैलेंस करते हैं ठीक है ताकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस हैं वो एक दूसरे से बाइंड होकर रहें तो ये जो एनर्जी होती है जो न्यूक्लियंस को बाइंड करके रखती है न्यूक्लियस के अंदर इसी को क्या बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता एक तरह से नेगलिजिबली होते हैं ठीक है तो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की क्या होती है वो एनर्जी जो न्यूक्लियंस को अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ बाइंड करके रखती है किसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ठीक है और न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होते हैं हमारे नेचर में फोर टाइप के फोर्सेस किए थे जो फर्स्ट वीडियो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के नाम से मिल जाएगी आपको तो स्ट्रोंगेस्ट फोर्सेस कौन से होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं हमारे ठीक है अब देखो अब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस हैं यानी प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्सेस इतने स्ट्रोंगली एक दूसरे से बंधे होते हैं कि अगर हमें उन्हें तोड़ना पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ना उन जो ये स्ट्रोंग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनके अगेंस्ट ठीक है तो इसके लिए हमें एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना तो यही एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं न्यूक्लियस को किसके लिए किसके लिए न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस हैं उनको तोड़ने के लिए सेपरेट करने के लिए इसी को क्या बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्लियर है तो दिस एनर्जी विच इज टू तो बी सप्लाइड टू तो द न्यूक्लियस टू तो डीकम्पोज इट इन टू इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ठीक है और जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होगा ठीक है तो न्यूक् तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी जो न्यूक्लियस के अंदर उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनको तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी या सिंपली ये भी कह सकते हैं इसके नाम से जैसे रिप्रेजेंट हो रहा है बाइंडिंग एनर्जी यानी वो एनर्जी जो न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक दूसरे से बाउंड करती है एक दूसरे को ठीक है दैट इज़ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी अब एक्सप्रेशन निकालते हैं ठीक है तो हमने मास डिफेक्ट निकाला था ना न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट क्या होता है वो डिफरेंस जो न्यूक्लियस के मास में होता है और जो न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके मास में जो डिफरेंस आता है दैट इज मास डिफेक्ट यानी जो कमी आती है मास में ठीक है क्योंकि एक्चुअल में तो होना वही चाहिए कि भाई न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका जितना मास है अगर उनको ऐड कर दें वही न्यूक्लियस का आना चाहिए क्योंकि वो उनसे मिलके तो बना है लेकिन एक्चुअल में न्यूक्लियस का मास कम होता है दिस इज द मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस ठीक है अब जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कनेक्टेड है किस मास डिफेक्ट से कैसे अब देखते हैं अब हमने आइंसटीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन तो पढ़ी रखा है क्या होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ठीक है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी इसी रिलेशन से कनेक्ट करके यहाँ पे जो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन है इसमें जो मास है ना सिंपल उसको यहाँ पे हम बाइंडिंग एनर्जी के, के केस में क्या लेंगे मास डिफेक्ट की फॉर्म में लेंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर वेयर बी इज द बाइंडिंग एनर्जी डेल एम इज द मास डिफेक्ट एंड सी इज द स्पीड ऑफ द लाइट ठीक है तो ये रिलेशन क्या बताता है कि जो मासपियर हुआ है ठीक है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये जो एनर्जी एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है डिसअपियर्ड मास ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करने के लिए ठीक है तो ये हमारे पास क्या गया बी इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर अब हमें डेल एम की वैल्यू यानी मास डिफेक्ट की वैल्यू पता है क्या थी Z इंटू एम पी ये हो गया कंप्लीट जितने भी प्रोटोन है उनका मास प्लस में क्या ऐड कर देंगे जितने भी न्यूट्रॉन है उनका मास न्यूट्रॉन्स Ma कितने थे A माइनस जेड और एक न्यूट्रॉन का मास स्मॉल mn है तो जितने भी न्यूट्रॉन है उनका मास क्या हो जाएगा a माइनस जेड एम एन ठीक है दोनों को ऐड कर दिया अब इसमें से सब क्या करेंगे जो मास ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज कैपिटल एम और इनटू में क्या है बाहर सी स्क्वायर ठीक है अब हमने क्या किया इस इक्वेशन में प्लस जेड एम ई क्या कर दिया ऐड कर दिया और माइनस जेड एम ई क्या कर दिया मतलब सब कर दिया एम ई -E क्या यहां है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ठीक है और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जितने प्रोटोन होते हैं ना क्योंकि एटम एक न्यूट्रल एंटिटी होती है इसलिए तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन स्पोज करने पड़ेंगे हमें ठीक है तो यहाँ पे प्रोटॉन जेड थे ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हमने जेड स्पोज कर लिए और अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल एम ई है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका मास क्या हो जाएगा जेड इंटू एम ई ठीक है तो हमने वही ट्रम ऐड कर दी और वही क्या कर दी सब कर दी और बाहर क्या है सी स्क्वायर है ही अब क्या करेंगे हम जहां जहां Z कॉमन है उसमें से Z निकाल लेंगे तो देखो Z किस में कॉमन है जो Z इंटू एम पी है वो वाली ट्रम यानी फर्स्ट टर्म और ये जो हमने ऐड किया है Z इंटू एम ई इसमें से Z कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एम पी प्लस एम ई यानी मास ऑफ प्रोटोन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में ये जो सेकेंड ट्रम थी ए माइनस जेड इंटू एम एन येज इट इज माइनस माइनस क्या रह गया एम यानी कैपिटल एम जो मास ऑफ न्यूक्लियस था और ये जो नेगेटिव ट्रम थी जेड एम ई ठीक है वो नेगेटिव साइन हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया कैपिटल एम प्लस जेड इंटू एम ई ठीक है और ब्रैकेट और बार क्या है सी स्क्वायर क्लियर है अब एम ई e हमने कर लिया था क्या था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है अब देखो एक हाइड्रोजन एटम होता है ठीक है एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जो सबसे सिंपलेस्ट एटम होता है तो हाइड्रोजन में क्या होता है हाइड्रोजन में एक प्रोटोन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है तो अगर हमें मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना हो यानी कैपिटल एम एच ठीक है तो क्या आएगा जो मास ऑफ प्रोटोन है वो और ऐड क्या कर देंगे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटोन होता है हाइड्रोजन में तो ये जो ट्रम है एम पी प्लस एम ई ठीक है जो जेड कॉमन ले रखा है जिसमें उसमें अंदर क्या है एम पी प्लस एम ही है ना यानी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्लियर है और ये जो लास्ट टर्म है जिसमें हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया था यानी कैपिटल एम प्लस जेड इन टू एम ई ये क्या है अब मास ये जो कैपिटल एम है ये क्या है मास ऑफ न्यूक्लियस है और ये जो मास ऑफ न्यूक्लियस है और ये प्लस में क्या है जेड इंटू एम ई यानी मास इज ऑफ द ऑल इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो हमें पता है ये जो एटम होता है उसमें क्या होते हैं न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम का मास इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की वजह से ही तो होता है और यहाँ पे भी यही चीज है मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स तो इसको हम क्या कह सकते हैं एटॉमिक मास यानी मास ऑफ द एटम तो इसको हमने डिनोट कर दिया कैपिटल एम एक्स से ठीक है एक्स इज द एलिमेंट क्लियर है तो यहाँ पे हमने जो इक्वेशन निकाली थी उसमें ये टर्म्स पुट कर देंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा जेड इंटू एम पी प्लस एम ई की जगह क्या पुट कर देंगे एम एच प्लस ए माइनस जेड इंटू स्मॉल एम एन एज इट इज और माइनस में ये जो कैपिटल एम प्लस जेड एम ई था ये क्या था एटॉमिक मास यानी कैपिटल एम एक्स और बाहर क्या है सी स्क्वायर ठीक है तो ये जो एनर्जी आ गई बाइंडिंग एनर्जी इसी को हम क्या बोलते हैं टोटल न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ठीक है क्योंकि यहाँ पे टोटल क्यों क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए सारे प्रोटॉन ले लिए और सारे क्या ले लिए न्यूट्रॉन्स ले लिए ठीक है अब एक ट्रम आती है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ठीक है अब ये क्या होती है इसको हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बोल सकते हैं सिंपली और एवरेज बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं पर न्यूक्लियन ठीक है तो ये क्या होती है अब इसके नाम में आ रहा है ना पर न्यूक्लियन ये वर्ड डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो ये क्या होनी चाहिए वो एनर्जी जो एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है न्यूक्लियस से दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ठीक है तो ये कब मिलेगी हमें जब हमें टोटल एनर्जी का पता होगा ठीक है और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन पता होंगे सिंपली अगर हमें वो एनर्जी निकालनी है जो हमें किसके लिए रिक्वायर्ड है एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए तो हमें क्या पता होना चाहिए जो टोटल न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है और उसको किससे डिवाइड कर देंगे कि भाई कितने न्यूक्लियंस हैं यानी वो जो एनर्जी है वो कितने न्यूक्लियंस में डिवाइड करनी है तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक न्यूक्लियन को कितनी एनर्जी चाहिए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या आ, आ जाएगा टोटल बाइंडिंग एनर्जी जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल बी से अपॉन में ए ए क्या है यहाँ पे मास नंबर है ठीक है क्लियर है तो क्योंकि मास नंबर क्या होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ना और इन्हीं को क्या बोलते हैं न्यूक्लियंस तो इसको हम टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को सिंपली क्या बोल सकते हैं मास नंबर क्लियर है तो वन अपॉन ए यानी जो ये ए है इसको हमने ऐसे लिख लिया और ये जो बाइंडिंग एनर्जी है इसका हमने अभी निकाला ही था इक्वेशन वन पॉइंट टू वन में तो यहाँ पे पुट कर देंगे बी की जगह तो हमारे पास ये आ जाएगा वन अपॉन ए इंटू में ऊपर ब्रैकेट में जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड स्मॉल एम एन माइनस एम एक्स इन टू सी स्क्वायर ठीक है तो ये हमारे पास क्या आ गई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी टोटल बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी कितनी अवेलेबल है और कितने न्यूक्लियन में बांटनी है तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि एक न्यूक्लियन को कितनी चाहिएगी ठीक है तो ये आगे हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्लियर है वेयर ए इज द मास नंबर तो ये हमारी वीडियो थी मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पे अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो थैंक यू